टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑर्बिट में, 2πr डिवाइडेड बाय उसकी कितनी वेलोसिटी है। तो टाइम पीरियड का तो बड़ा फॉर्मूला बनेगा। फिर ये बताओ मुझे, r जो होता था वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी 1 बाय n के प्रोपोर्शनल है, तो n n कंबाइन होके क्या होगा, n क्यूब। तो ये नेक्स्ट रिजल्ट याद रखना है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n और टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं, ये काम आते हैं। r इंटू h इंटू c का मल्टीप्लीकेशन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया। r का मतलब रेडबर्ग कॉन्स्टेंट 1.09 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर, और इस 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में ये भी सुना होगा, दिस इज नोन एज वेव नंबर। और n का मतलब क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन। तो ये आपने सुना होगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस केमिस्ट्री में, कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक n इज इक्वल टू 4 लेवल से 1 लेवल पे गिरता है तो वो 4 से 3 पे भी गिर सकता है, 3 से 2 पे भी गिर सकता है, 4 से 3 पे, 4 से 2 पे, 4 से 1 पे, तो ऐसी कितनी ट्रांजिशंस टोटल हो सकती हैं n into n minus 1 by 2। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज देखो, हमने जितने भी थ्योरी बनाई वो हाइड्रोजन एटम के लिए बनाई, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए बनाई बस। ये कहता है कि जो बोहर कहता है कि जो बोहर मॉडल है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन से मिलते जुलते हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी चलती है। हाइड्रोजन लाइक में कौन आते हैं, हीलियम आता है और डबली आयनाइज लिथियम आता है। तो आपके न्यूमेरिकल तीन किस्म के आएंगे, या तो सिंपल हाइड्रोजन पे आएगा तो ऊपर वाले फॉर्मूलास काम करेंगे, या हाइड्रोजन लाइक पे आएंगे, दोनों में से आएंगे। तो अगर हाइड्रोजन लाइक पे आ गए तो फॉर्मूला थोड़े से मॉडिफाई करने पड़ेंगे। जो भी फॉर्मूला हमने हाइड्रोजन के लिए किया था रेडियस का, उसमें डिवाइड बाय जेड कर देना है बस। तो जो भी हाइड्रोजन लाइक का जेड होगा उसको यहां डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। ये पहला रिजल्ट है। तो रेडियस हमारा था क्या, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन लाइक में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय जेड के प्रोपोर्शनल। ये चेंज हो गया, याद रखना है। दूसरा, स्पीड, स्पीड में क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए थी 137 c by n, लेकिन हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या करनी पड़ेगी, इनटू z। तो जो स्पीड है वो z by n के प्रोपोर्शनल है। तो ये रिजल्ट भी क्लियर है यहां तक, दूसरा चेंज इन फॉर्मूला। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी होती है माइनस 13.6 by n स्क्वायर, पर हाइड्रोजन लाइक में क्या करते हैं, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो ये आपने याद रखना है, जब हाइड्रोजन लाइक आएगा तो ये रिजल्ट्स एप्लीकेबल हैं। और 1 by लैम्डा का फॉर्मूला था r into ये, हाइड्रोजन लाइक में क्या हो जाएगा, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है यहां तक? तो हाइड्रोजन लाइक के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी आ सकता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, कि अगर आपको के अल्फा लाइन बोलता है, कि अल्फा लाइन अगर मान लो बोलता है कि के अल्फा लाइन है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन 2 शेल से 1 शेल में हो रही है, और अगर के बीटा लाइन बोलता है तो ट्रांजिशन 3 से 1 पे हो रही है। तो ये याद करना पड़ेगा, 2 से 1 पे के अल्फा लाइन बोलता है, 3 से 1 पे के बीटा लाइन होता है, कभी कभी यूज हो जाता है के अल्फा बीटा।